हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों को हम मिलाने आए हैं अपने प्लॉट से। तो ये महवागंज लखीमपुर के बाद महवागंज पड़ता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वो एरिया है। और शाम हो गई है, सूरज बिल्कुल ढलने वाला है, तो थोड़ी थोड़ी सी अभी बस्ती होने लगी है। ये देखिए, थोड़े थोड़े से घर बनने लगे हैं, तो कभी कभी राउंड लगा जाते हैं हम लोग भी यहाँ पे आके। क्या कह रहे हो आप? और ये हमारे घर के जस्ट पड़ोस टावर बना हुआ है, ये देखिए ऐसे। और काफ़ी मतलब घर बनने लगे हैं यहाँ पे, ये हैं खड़े हैं। और बैक कैमरे से भी आपको दिखाते हैं, ये वाली लाइन जो है ये हम लोगों की लाइन है इस यहाँ पे। और ये अभी बिल्कुल जस्ट नया घर बनना स्टार्ट हुआ है। और ये भी घर हैं, ये थोड़ा पहले से बने हुए हैं। Area hey. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. और अभी बरसात का मौसम है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जंगल बड़ा बड़ा हो गया है। तो आए तो थे प्लाट दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। देखिए ना, घास बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है, तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा। और ईंटें जो रखी हुई थी, तो ईंटें भी नहीं दिख रही हैं, ये देखिए। और अभी हम लोग न्यू नहीं भरवा पाए हैं। न्यू का मतलब अभी थोड़ा सा न्यू जब भरवाएंगे, जब थोड़ा सा बाउंड्री भी उठवा लेंगे और मिट्टी टी डलवा के, तो बिल्कुल जब फुर्सत में होंगे तब करवाएंगे। तो अभी और भी काम है तो वो कर लेंगे, फिर उसके बाद में न्यू भरवाएंगे। शायद समथिंग इसी साल में भरवाने का प्लान है। देखते हैं फिर कब तक भगवान की इच्छा होगी, कब तक भरवा पाएँ। क्या हुआ बेटा? कुछ गुस्सा हो गया? क्या हो गया? ये घाटे होते हैं, ये देखो इधर आओ, देखें इधर यहाँ पे आ जाओ। हाँ बताओ क्या हो गया? क्या हो गया पापा ने बोल, देखिए इधर इधर आओ, इधर। हाँ बताओ क्या हो गया? पापा ने डांट दिया है पापा ने, तभी तो गुस्सा। ये गाल ऐसे फूल गए हैं गुस्से की वजह से। हाँ। किस लिए फूल गए? पापा ने दो बार डांटा, दो बार पापा ने डांट दिया इसलिए गुस्से में। बताओ बेटा के गाल भी फूल गए हमारे ना। देखिए अब ठीक हो गए, अब तो गाल सही हो गए तुम्हारे। और ये ड्रेस सोना ने बर्थडे की ड्रेस पहनी हुई है। बैको पीछे हो, पीछे पर भैया पढ़ो। तो ड्रेस कैसी लग रही है सोना, पूछो कैसी लग रही है ड्रेस। जी देखो सोना की है ड्रेस। सोना हमारा कैसा लग रहा है आज? तुम सोना कहाँ पे आए हो? प्लाट में। तुमको यहाँ पे आके कैसा लगता है? अच्छा। तो तुम्हारा घर कब बनने वाला है? मेरा घर 100 तक बनने वाला है। 100 तक बनने वाला है, तो बहुत जल्दी हम लोगों का घर बनेगा। बहुत जल्दी नहीं, समय लगेगा। अरे भैया वहाँ पे डॉगी हैं बहुत सारे, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे है, खुली हवा एकदम मजे से, क्योंकि वहाँ ये चाबी है घर की, तो वहाँ पे हम लोग हैं। मामा यहाँ देखो, इधर दिखा जरा, पास आओ पहले। बेटा ज्यादा उधर मत जाना, डॉगी है। ये देखो छोटे छोटे फूल हैं। फूल नहीं है बेटा, ये जंगल लगा है, बरसात वाला जंगल। इधर साइड में आ जाओ, तो अभी टाइम लग जाएगा 1-2 साल में। बेटा इधर आ दो, डॉगी हैं उधर। हाँ तो 1-2 साल लग जाएगा बनवाने में, क्योंकि बहुत सारे काम हैं पड़े, तो वो सब निपट जाएंगे, उसके बाद में ही घर बनवाएंगे। पहले एक बात बताओ, जब नया घर बनने के लिए तो बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। हाँ पहले बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हाँ इकट्ठे करने पड़ते हैं, गट्ठे करने पड़ते हैं, एक पास करने पड़ते हैं, है ना? ये देखो ये जीजा आ रहे हैं। और ये है सोना के जीजा। अजय है गिद्धू महाराज। गिद्धू महाराज क्या हाल चाल है? ये देखो पापा कंधा खा रही है। हेलो गिद्धू जी, इनको बड़ा मजा आ रहा है ना, आज खुली हवा लगी है। गिद्धू पहली बार आए है ना अपने प्लॉट पे? पहली बार आए हो घूमू करने यहाँ? तुमको कैसा लग रहा है गिद्धू? तुम्हारे लाल को कैसा लग रहा है? ज्यादा खास दूरी नहीं है,
खास दूरी नहीं है और बिल्कुल सेम वही है। बेटा चोट लग जाएगी, वही है जैसे हम लोग महवागंज में रहते हैं, बिल्कुल वही तीसरे नंबर पे है, वहाँ पे भी घर और यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे ही घर है। और बढ़िया है, एकदम शांति है। यहाँ पे पास में मंदिर भी है, लिलोटीनाथ मंदिर। तो अब हम लोग चल रहे हैं घर। बिटिया रानी मरी गई है, सो सोना चले, थोड़ा मिनट रुक जाओ। और ये लेके आए हैं आज बिछिया, तो बहुत छोटी छोटी थी और ये दो दो आज मतलब बहुत दिनों बाद पहने हैं, तो बड़ा अजीब सा पैर मुझे लग रहा है। और शादी में पहने हैं शायद, और गौने में पहने हैं, उसके बाद से नहीं पहने, उसके बाद से एक एक ही पहने, तो काफ़ी छोटी थी, छोटी ही ली हैं क्योंकि जब आदत पड़ जाएगी तब दो दो पहनने लगेंगे। तो ये बिछिया कैसी लग रही, पिछली बार लाए थे दो लेने का मन था लेकिन दो मिल नहीं पाई थी, तो एक ही एक एक मिली थी और इसलिए दो ले आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और इस उंगली में तो बहुत गुदगुदी जैसी लग रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से पहने नहीं है ना, तभी। और प्लाट से वापस आने के बाद थोड़ा सा जो बिछिया पहने हुए थे तो वो बिछिया भी लाए थे और थोड़ा सा सामान लाए थे, वहीं जैसे रास्ते में मार्केट पड़ती है हल्की फुल्की, ऐसे छोटी मोटी मतलब मार्केट पड़ती है, तो वहीं से होके थोड़ा बहुत सामान लाए थे और ये बिछिया भी लाए थे। और उसके बाद बनाने जा रहे थे चना और लौकी की दाल। तो मन था, इनको अच्छी नहीं लगती है मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं पसंद इनको, सिंपल सी अरहर की दाल और आलू टमाटर की सब्ज़ी या बाकी नई कोई भी डिश होती वो अच्छी लगती है, लेकिन ये इस तरीके की सब्ज़ी या दाल इनको नहीं पसंद होती है। लेकिन फिर भी हमने बनाई, हमने कहा चलो जब खाओगे शायद एक दो बार जब खाओगे तो अच्छी भी लगेंगी। तो ये हम भी आज पहली बार बनाने जा रहे हैं, वैसे तो कद्दू में ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन लौकी भी थी घर की ही थी, तो हमने सोचा चलो क्यों ना ये भी बनाएं। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाया है ये दाल और आज बना रहे हैं। तो जैसे सब्ज़ी अगर आपका मन ना हो बनाने का और दाल सब्ज़ी दोनों चीज़ मन हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, और अच्छी भी लगी थी पहली बार जिस हिसाब से बनाई थी तो हमें बढ़िया लगी। और बाकी अगर घर का मसाला जैसे सिलवट पे पीस के बनाते, ये जो इसमें हमने खड़ा काट के डाल दिया है, तो अगर लहसुन प्याज का पेस्ट बना के और बाकी मसाले जो घर के पीसे होते सिलवट पे, तो ज़्यादा अच्छी बनती हमें लगता है, हमारा मतलब अनुभव जो है हमारा वो बता रहा है, क्योंकि जैसे हमने खाई तो जैसे नॉर्मली हम दाल सब्ज़ी खाते हैं अपनी उसी तरीके की लगी थी, थोड़ा सा टेस्ट अलग था कि लौकी और कद्दू की दाल का टेस्ट था। तो वैसे भी चना की दाल की खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन फिलहाल पहली बार बनाई तो बढ़िया बनी। और देर हो गई थी वापस आए तो थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर उसके बाद में जल्दी से स्टार्ट कर दिया बनाना, क्योंकि समथिंग 7 बज गया था घर आए आए, तो आजकल थोड़ा सा और जब बच्चे होते तो जल्दी ही बना लेते हैं खाना है 7 बजे, वैसे तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी 7 बजे से 7, 7:30, 8 बजे तक सारा खाना बन जाता है। और ये जो प्लॉट है तो ये 1 साल का हो गया, पता नहीं याद नहीं है मुझे कि इससे पहले हमने वीडियो में दिखाया है आप लोगों को या नहीं दिखाया पता नहीं, लेकिन आज इधर गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था निकले नहीं थे उधर, और जल्दी जल्दी जाया करते हैं देखने के लिए। और ये भी होता है सोना का मन होता है, सोना को वहाँ पर खुली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती, तो इस बहाने भी चले जाते, हमको भी अच्छा लगता है और देखना भी हो जाता है। तो ये 1168 स्क्वायर फीट है और अभी इसमें न्यू या कुछ भी नहीं डलवा पाए हैं क्योंकि ये भी बहुत सारे काम भी बीच में बाकी थे तो इस वजह से नहीं बनवा पाए हैं, और भगवान की कृपा जाने कब बनेगी, कब हो और कब बनवा पाए हम लोग। तो रहने भर का जो है मतलब भर का है बिल्कुल सेम वैसी, जैसे यहाँ से चौराहे से दूरी है वैसी, जो नया अभी जो हम प्लाट दिखाने गए थे तो वो भी वैसे ही सेम दूरी है, तीसरे नंबर पे ये भी है यहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं, और तीसरे नंबर पे वहाँ पे भी है, तो ठीक रहता है। जैसे मतलब हमें सड़क पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जैसे कभी कभी थोड़ा मन करता है कि शांति चाहिए, तो बस उसके लिए ये जगह बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगी हमारे हिसाब से। और घर में जितना हमने सोचा था बिल्कुल सेम उतना ही वैसे ही प्लॉट मिला है, जगह उतनी ही मिल गई है मतलब भर की। और जिस चीज़ का जो समय जब समय होता है वो चीज़ तभी बनती है, और हम लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें लेकिन अभी नहीं बनवा पाएंगे, तो हर चीज़ का एक ना समय होता है। और अभी इतनी जल्दी हम लोगों ने इसलिए ले लिया क्योंकि अभी ले लिया, और जैसे जैसे देखो सोना देखते हुए बड़ी हो गई है, 5 साल
कंप्लीट हो गए हैं उसको, तो बस ऐसे ही पता नहीं चलेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। बच्चे बड़े होने का मतलब है कि खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में और बाकी सारी सब चीज़ों में। तो इतना हमें नहीं लगता हम लोग इतना बचा पाएंगे जितना इस टाइम हो जाता है। तो कुछ चीज़ें समय से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में इतना बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं हमें लगता है। तो बातें करते करते दाल का टाइम हो गया और इसमें हमने पानी डाल दिया, उसको अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल सेम सब्जी का प्रोसेस रहेगा। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालना है। हमारी जो दाल है चना की, वैसे लोगों के यहाँ पता नहीं जल्दी पक जाती, लेकिन इसमें ज़्यादा सीटी लगानी पड़ेगी, 5-6 सीटी कम से कम लगानी पड़ेगी, ये जल्दी दाल नहीं पकती है। तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, चाहे तो आप ना डालना चाहें, जिसे बहुत लोगों को बिल्कुल थिक चाहिए तो वो चाहे तो पानी ना डालें, क्योंकि लौकी में पानी छूटता है, लेकिन हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि जल्दी ये पकती नहीं है दाल, इसीलिए 5-6 सीटी लगाएंगे। और कुकर का ढक्कन देंगे बंद कर। उस समय हमारा जो कुकर है वो ख़राब हो गया है, थोड़ा सा मतलब चाकू या चम्मच लगाना पड़ता है, प्रेशर अच्छे से नहीं बनता। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और पूरा ज़रूर वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। किसका है था, और पहले किसका की था? किसका था वो? मेरी फ्रेंड का। नहीं नहीं, नाम क्या ले रहे थे पहले, क्या नाम ले रहे थे? तनेश का। कैसे बोल रहे थे, कैसे फिर से बोलो, जैसे बोल रहे थे अभी? तनेश का कॉल आया था, कैसे? नहीं, कैसे कह रहे थे? तनेश का कॉल आया था। ये तुम्हारे कौन है? तनेश पापा। पापा है? बहुत मारे जाओगे, ऐसी गंदी बात होती है ना। तो ना नहीं मारते। नहीं तो मारते नहीं है तो क्या नाम लोगे दिन भर उनका? एक बार नाम लिया जाता है, जब कोई पूछता है तब नाम लिया जाता है। अरे मेरी बहन की मम्मी का फोन यार है। मेरी बहन की मम्मी का फोन। अच्छा हां, हां हां, जल्दी बताओ। अरे हां, अरे मेरी बस ऐसे ड्यूटी कर रही थी, बस काफ था। और मम्मा के ऊपर के तो ढलाऊंगी निकल रही थी। हां, अब मुझे सब कुछ याद है। अब मुझे पता है एक 20 से भी सेकंड में तुम्हें 20 में कॉल करना है। हाँ, और तुम्हें कॉल करना है 20 रुपए में, बस साथ में नहीं करना है, 20 में करना है। ठीक है, तब तक काट। हो गई बात? हाँ चलो ठीक है, बाय।